बैंकों को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाला शातिर अपराधी गुलाम अशरफी को नागपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नागपुर शहर पुलिस और पुलिस उपायुक्त गजानन राजमाने की टीम ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। नाम है गुलाम अशरफी वल्द प्यारे अशरफी। 40 साल का ये इंसान इतना शातिर है कि उसने शहर के बैंक ऑफ महाराष्ट्र को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। अशरफी ने लोन लेने के लिए खुद को WCL कर्मचारी बताया और सभी दस्तावेज जाली बताकर 1,90,00,000 रुपए का लोन ले लिया और चुकाया नहीं। ये महाशय यही नहीं रुके, इन्होंने लोगों को भी लोन लेने के लिए उकसाया और उनके साथ भी धोखाधड़ी की। ये लोगों को बैंकों से लोन लेने के लिए बोलता था, लोन के 3-4 हफ्ते भरने के बाद हफ्ते भरने को मना करता था। हफ्ते बंद होने पर कानूनी बैंक गाड़ी सील कर ऑक्शन में रखते थे। इसी ऑक्शन से अशरफी कम दामों में गाड़ियां खरीदता था। पत्रकारों से बात करते हुए जोन 3 के उपायुक्त गजानन राजमाने ने बताया कि अशरफी ये काम अकेला नहीं करता था, इस मामले में इसका पूरा गिरोह है। साथ ही राजमाने ने लोगों से अपील की है कि ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई है तो पुलिस से संपर्क करें। तर लोकांना कर्ज घ्यायला लावायचं, त्याचे जे इंस्टॉलमेंट आहे 1-2 भरल्यानंतर ते थांबवायला लावायचे, नंतर हे लोन किंवा ह्या गाड्या आहेत त्याचं इन्स्टॉलमेंट थांबल्यामुळं ते NPA टाकायचं, ऑप्शनमध्ये त्याची किंमत कमी करायची। समजा 20 लाखाची गाडी असेल तर 5-10 आत ते आणि हा स्वतः परत घ्यायचा आणि नंतर ती चढाभावानं विकायची, अशा बऱ्याच ह्यानं फ्रॉड केलेला आहे। आत्ता बँकेचा जो हा फ्रॉड आहे याच्याबरोबरच अजून 5-6 लोकांना पण अशाच प्रकारचे कर्ज घेतण्याच्या आमच्याकडं तक्रारी आहेत, त्याच्यामध्ये पण चौकशी चालू आहे। आपल्या माध्यमातून मी आवाहन करत आहे की हा जो गुलाम अशरफी नावाचा हा गुन्हेगार आहे, त्याच्यावर जुनेही ते काय गुन्हे दाखल आहेत, 307 पण एक गुन्हा दाखल आहे। तर अशा प्रकारचे कुणाची फसवणूक केली असेल किंवा जबरदस्तीनं कुणाकडून असं लोन काढून घेतलं असेल किंवा बँक असतील किंवा फायनान्स कंपन्या असतील, काय आम्हाला अप्रोच पण झालेले आहेत, तर त्यांनी आमच्याकडे यावं आणि बिंदासपणे आपली कंप्लेंट करावी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपुर।